पुलिस की नाकाबंदी देखकर कार से भाग रहे दो दौड़ा चोरा तस्करों ने शनिवार को देवली मांझी में हाहाकार मचा दिया। पुलिस से बचने के लिए तस्करों ने अपनी कार को तेज गति से कई किलोमीटर तक रिवर्स में दौड़ाया। इस दौरान जो भी सड़क पर आया तस्कर उसे रोनते हुए कार दौड़ाते रहे। कार की टक्कर से सड़क किनारे बैठी एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3-4 अन्य लोग घायल हो गए। सड़क किनारे खड़े कई वाहनों को भी टक्कर से नुकसान पहुंचा। कार रुकने पर ग्रामीणों ने दोनों तस्करों को दबोचकर उनकी जमकर धुनाई की। पुलिस जैसे तैसे दोनों तस्करों को ग्रामीणों से छुड़ाकर थाने लगी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दो अलग अलग मामले दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार से 44 किलो 320 ग्राम डोडा चूरा भी पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को देवली मांझी पुलिस ने कोटा सांगोद मार्ग पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान कोटा की ओर जा रही एक कार को रुकवाने पर कार सवारों ने कार को नहीं रोका। पुलिस ने कार का पीछा किया तो कार चालकों ने फिल्मी स्टाइल में रिवर्स में ही कार को तेज गति से दौड़ाकर भागना शुरू कर दिया। कार के बीच में जो भी आया कार सवार तस्कर उसे रोनते हुए भागने की फिराक में रहे। कार की टक्कर से दुकानों के सामने खड़े कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। कार सवार जो भी रास्ते में आए उसे कुचलते हुए आगे बढ़ते रहे। इस बीच एक दुकान के आगे कार रुकने पर मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों कार सवार तस्करों को बाहर निकाला तथा उनकी जमकर धुनाई कर दी। दोनों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। बीच बचाव में आए पुलिस कर्मियों को भी ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस दोनों तस्करों को ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ाकर थाने ले गई। कार की टक्कर से सड़क किनारे बैठे 3-4 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस व ग्रामीणों ने तत्काल घायलों को कोटा पहुंचाया। इनमें कोटा निवासी महिला अनीता की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ दो अलग अलग मामले दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।